यस सर। चलिए, तो पावर के सारे फार्मूले याद है। पावर का फार्मूला वी आई या फिर एनर्जी में क्या फर्क आता है, साथ में क्या आ जाता है सिर्फ, तो टाइम तो क्वेश्चन नंबर 19 सबको दी 12 से दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू कितने वोल्ट का जनरेटर से लगाया? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। करंट इज 0.5 एम्पियर। करंट कितना है मेरे बच्चों? 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई, प्रोडक्ट ऑफ वोल्ट एंड करंट। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, वो मैं कराऊंगा आंसर्ड, आपने करने अभी क्वेश्चन। हाँ जी, पेज मत पलटना, साथ साथ में करते हैं। अब हो गया नोट, नोट तो एग्जांपल्स ऑलरेडी है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझते रहिए। चले आगे, कल मैंने आपको यूनिट अल्लाह सिखाया, तो कौन बच्चा रिवाइज कर सकता है? हमने बुक के तरीके से नहीं करना, हमारा अपना मेथड है, तो ये रिवाइज कराएंगे। मुकुल, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट इन वन डे, फार्मूला बोलिए। क्या फार्मूला लर्न करवाया था मुकुल? मोक्ष तू बता दे, इसकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। सर, नंबर ऑफ अप्लायंसेस इनटू द पावर ऑफ अप्लायंसेस इनटू टाइम ओवर 1000। यस, शॉर्ट में एनपीटी बाय 1000। गुड। हाँ जी भूमि जी, आप बताइए अब एन कितना है इस क्वेश्चन? यस सर। एन पी या टी बता दो। सर एन an electric refrigerator 1N and then power is 400 and the time given is 8 hour per day. Number of units कितने आएंगे one day में? Sir, number of units in one day will NPT divided by क्या मेरे बच्चे? 1000 ना जाएगा। थ्री पॉइंट टू यूनिट। सर अगला पार्ट देखते कौन करता, ठीक है? आपका शिवानी, आप बताइए कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। ये तो एक दिन का खर्चा आया, 30 डेज के लिए क्या करोगे शिवानी? नंबर ऑफ यूनिट इन 30 डेज। शिवानी नहीं बोल रही, रिया। सर आपने पहले का आंसर 96 किलोवाट निकाला था पर आर, सॉरी आर। कब? अभी जब आपने जो पहला पार्ट करवाया उसके बीच में, या वॉट आर था आपका? ये किलोवाट आर में आएगा। हाँ जी, तो सर उसको हम 3 रुपीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा जी पहला 30 डेज यूनिट तक कर लो बच्चे, एक दिन दे आए 30 दिन के लिए की करना पहला 30 से मल्टीप्लाई। इतना मतलब आ गये, आराम से चलिए। 30 डेज का आ गया। यस सर। अब एक यूनिट का कितना खर्चा है? 3 रुपीज। यहाँ कितने यूनिट है? 96। कितना आंसर आ जाएगा?
288 रुपीज। किसी को समझ ना लगी हो पूछ सकते हो, ये एनपीटी वाला फार्मूला याद हो गया? Yes, sir, एक बार सेकंड पार्ट रिपीट कर दो। बच्चे पहला था एक दिन, जब भी आ वाला फार्मूला लगाओगे एक दिन दे यूनिट्स आने हैं, उन्होंने 3 दिन दे पूछे थे, वे 3 ना गुणा करता और एक यूनिट का खर्चा 3 रुपए है, 90 यूनिट दे 3 ना मल्टीप्लाई करता। ठीक है, फार्मूला मेरे पास सीधा भी है लेकिन मैं आपको कभी यूज नहीं करना चाहता 10th में, अभी यही तक ये शॉर्टकट बहुत काम आएगा आपके। ओके सर। चलो जी अगला पेज, आई विल नॉट टेल द आंसर, यू विल टेल। शुरू करते हैं खुशी से, मतलब खुशी से शुरू करते हैं और खुशी आंसर बताएगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर खुशी, अगले पेज का पहला क्वेश्चन। तो क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिकल पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगला क्वेश्चन करने के लिए दिए आप। हाँ जी बच्चों, कितने बच्चों को लगता है उनका सही होगा या उन्होंने सॉल्व कर लिया है? जो बच्चे घट ही बोलते हो भी तो सामने आओगे, वो कहाँ गए? सृष्टि मल्होत्रा जी कहाँ पे हो? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, सॉल्व करिए। पावर निकालिए और एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। पहले पावर बताओ, आई इंटू वी कितनी आ जाएगी पावर? 1100। पावर इज इक्वल टू 220 × 5। वेरी गुड, 1100 वॉट इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का सही है? सही है सर बच्चों का? यस सर। यस सर। अगला पार्ट क्या है? पावर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। नंबर मतलब 1 डे में कितनी, 2 आवर्स में कितनी करेगा? क्या फल है सर? पावर इनटू टाइम 11 × 2। एनर्जी कंज्यूम का फल तो वही रहना है, NPT 2.2 यूनिट्स 1000। लेकिन जब भी ऐसे करते हो आंसर किस में आता है? यूनिट क्या होते हैं? यूनिट्स, किलोवाट आवर। किस में आता है आंसर? किलोवाट आवर। बोलो जी, रिद्धि डडवाल आप बोलिए, सॉरी ये तो मैम है, सॉरी सॉरी, सुहाना बिंद्रा बोलिए। नंबर ऑफ अप्लायंसेस 1, पावर 1100 जूल्स and time is 2 hours. कितना आ जाएगा? 2.2 kilowatt. या 2 kilowatt hour unit एक ही बात है। Now method is clear to all the students. Yes sir. Yes sir. बैक एक्सरसाइज पे भी इसके क्वेश्चंस हैं। चलिए वहां पे बैक एक्सरसाइज निकालिए। अभी एक ही टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं आज मैंने आपको। निकाली बैक एक्सरसाइज? यस सर। 16th क्वेश्चन करेंगे, बस इतना ध्यान रखना जब ये फार्मूला लगाना है ना, पी किसमें होना चाहिए, पावर किसमें होनी चाहिए? जाउल्स। वॉट? ये जाउल वाला कौन है, मार खाओगे? पावर इज इन वॉट, टाइम इज इन आवर्स, ध्यान रखना। लिख लो, पावर किसमें होनी चाहिए?
वॉट वॉट टाइम आवर तीन क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कौन करता है इसका आंसर बताएंगे मानिक खुराना एंड गुरनूर कौर दे विल टेल द आंसर बाकी सब बच्चे सॉल्व करिए दो चीजें अलग अलग प्राइस दिए हुए हैं कौन कौन से हैं वो सर कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन चैप्टर एंड एक्सरसाइज 16th क्वेश्चन पहले टीवी वाला पार्ट करना है बाद में दूसरा प्लांट कौन सा है टोस्टर दो अलग अलग तरीके से करना यहाँ भी एंड वन यहाँ भी एंड वन यहाँ पावर कितनी एक्सक्यूज मी सर यस सर जाउल पर सेकंड भी तो लग सकता है कि नहीं कहाँ पे यही पे जब हम आंसर निकाल रहे हैं तो मे बी हम वॉट और आर के साथ ना निकाले तो उसके साथ निकाल सकते हैं जाउल पर सेकंड बेटा एक ही तरीका रखो ना फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ पे क्या लगाना है ओके सर एक ही तरीका रखो फिर किलोवाट आर के अगर जाउल में पूछा तो जाउल में बदल देंगे लास्ट स्टेप में एक ही मेथड रखो बच्चे वो तो वैसे भी जाएगा क्या सिखाया था अभी टाइम किस में होना चाहिए आर यहाँ पे टाइम किस में है टोस्टर वाले केस में मिनट्स मिनट्स में आर में कितना आ जाएगा 1/6 आर यस जल्दी करो कंप्लीट जीरो पॉइंट टू दोनों का अलग अलग आंसर निकाल के बताओ सर फॉर टीवी 0.25 फॉर टोस्टर 0.20 पहले का कितना आया 1 × 2 0.25 सही है सबका इधर क्या आएगा 0.20 Which is using more energy, TV के टोस्टर TV 0.25 17 सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ इस टाइप के सारे कवर हो गए हैं बुक के अभी हम और एक्स्ट्रा भी करेंगे असाइनमेंट वाले भी अभी 17 टिक कर लीजिए योर होमवर्क ओनली वन ऑफ दिस टाइप टिक कर लिया 17 क्वेश्चन
यस सर यस सर चलो बिल्कुल एंड से दोबारा शुरू करते हैं, जो जो काम रहता है वो खत्म करें। क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले, हाँ जी पेज नंबर निकाल लो 208 या 209 का मेरे को बताना। आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए, देखो जरा एग्जांपल 12.6, हैव यू डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। Important question, most important type of question. अब हमने सारा काम कवर कर लिया, सिर्फ आपको heat energy वाला रह गया, Joule's law of heating का topic और उसकी application. Rest we will do the numericals and the questions. Example 12.6 में एक चीज रट लेनी है, जो मर्जी कर दो किसी तार को, लंबाई चौड़ाई जो मर्जी उड़ा दो, resistivity कभी change नहीं होगी। रेजिस्टिविटी ने चेंज नहीं होना, इट रिमेन्स द सेम। ये रट लो, इसने कभी नहीं बदला, जो मर्जी करेगा, वट एवर यू डू इट विल रिमेन द सेम। वायर की लेंथ एल है, एरिया ए है, रेजिस्टेंस है 4 ओम। What would the resistance of another wire, same material, length L by 2 and area 4A? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है दो पार्ट में करना है, पहले लेंथ L, एरिया A, रेजिस्टेंस 4A, लिख लो लेंथ कितनी है L, एरिया A, आर कितने हो, क्या बन जाएगा फार्मूला, बन गई पहली क्वेश्चन। समझ लगी इनिशियल वैल्यू, बोल लोगे कि नहीं? यस सर यस सर यस सर यस सर। कौन बताएगा बाद में क्या हुआ, लेंथ कितनी कर दी सर? हाफ। एरिया कितना सर? ट्वाइस। एरिया डबल हो जाएगा। आर डैश नया रेजिस्टेंस निकालना है, पालना क्या आर डैश का? रो एल अपॉन ए, एल की जगह एल बाय टू, ए की जगह टू ए। यहाँ बच्चे फंस जाते हैं कई बार, ये टू नीचे आ जाना है, ये बड़ी दिक्कत है मैथ में कई बच्चों को। बन गई दोनों क्वेश्चन? समझ लगी सब बच्चे नु? यस सर यस सर। वैसे इनिशियल फाइनल नहीं लिखना क्योंकि दो अलग अलग तारों की बात कर रहे हैं, एक ही तार की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या लिखोगे? फर्स्ट वायर और वहां पे सेकंड वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि दो वायर्स हैं, अलग अलग तार। अब दोनों को डिवाइड कर दो, किसको किससे डिवाइड कर दो? तो क्या जाएगा डिवाइड करके, क्या बचेगा लेफ्ट साइड पे? वन बाय फोर इंटू फोर इज इक्वल टू डिवाइड करना रहता होगा। रो रो कट गया, एल एल कट गया, ए ए कट गया, तो आर डैश क्या आ जाएगा? कितने ओम? 1 ओम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर सेकंड दोबारा बता दो। बच्चे लेंथ तो एल बाई टू कर दी थी नई तार की, एरिया टू ए कर दिया था, फिर वही पाला लगा देना सेम टू सेम, रो एल अपॉन ए वाला, एल की जगह एल बाई टू, ए की जगह टू ए, और नया रेजिस्टेंस निकाल लेना है, फिर टू को वन से डिवाइड कर दो और आर डैश का आंसर आ जाएगा। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स।
यू हैव टू सॉल्व थ्री क्वेश्चन इसी पेज के 1, 2 एंड 3 सारे कर लो वैसे तो 1 to 5 तीन मिनट है बहुत है ये 3 मिनट करो शुरू यू एट वर्क मोर देन इनफ टाइम शुरू करते हैं पहला आंसर बताएंगे मानिक खुराना On what factor does the resistance of a conductor depend? Path. चार फैक्टर बताए हुए हैं जल्दी बोलिए मानिक खुराना I into R, R into 1 by A, I into A. बच्चे इतना थोड़ी बोलना रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है कौन बताएगा और सही तरीके से सर लेंथ ऑन द मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द लेंथ ऑफ वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट नेचर ऑफ मटेरियल और टेंपरेचर 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 रट लो बेटा रट लो सारा ग्रह हुआ है डिटेल में बोल के लर्न करिए रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन विच फोर फैक्टर्स बोलो भाई सर लेंथ एरिया टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी कौन बोल रहे हैं नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर फिर बोलिए length area of cross section nature of material and temperature ye bachcha kaun sa hai mere ko to iska naam bhul jata hai sabse badhiya hi bolti hai sabko participate ek mock kar rahi ho gaya kya naam hai beta aapka sir riya riya ji agla question hun tuhanu pata lag gaya resistance jehda hai area de inversely proportional da main yaad kara dunga जिन्नी तार मोटी होगी ना उन्ना रेजिस्टेंस घट होगा ये तो याद करने का तरीका पता की सौखा रखा करो जी बाहर बिजली की तारा लगी हुई अपने घर चाह रही है पावर हाउस तो बिजली बोर्ड या स्टेशन से पावर स्टेशन से बाहर वो पतली तारे लगा के भेजते हैं कि मोटी तारे होती हैं गली में सड़कों में थिक तवायर्स लगी होती है कि तीन थिक हाँ जितनी तारे मोटी होंगी उतना रेजिस्टेंस कम होएगा और करंट कम होगा ज्यादा आएगा यस वेरी गुड ब्रांच 43 रोल नंबर ब्रांच ब्रांच बेटा आंसर बताइए सेकंड क्वेश्चन का But why not speaking? What is the problem? Bhumi, आप बता दो बच्चे Bhumi, किसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा थिक वायर में से कि थिन वायर में से बोल देनी है सर थिक वायर में से क्यों क्योंकि थिक वायर में रेजिस्टिविटी कम रेजिस्टेंस कम हो जाती है और करंट बढ़ जाता है वेरी गुड तो यही लिखना आंसर इफ द वायर इज थिक द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी लेस एंड मोर करंट विल पास समझ लगी Yes, sir. Question number 3. करिए जल्दी थर्ड न्यूमेरिकल थर्ड क्वेश्चन सॉरी क्या है क्वेश्चन
रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया, करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? करंट का आई का फार्मूला रेजिस्टेंस वी अपॉन आर। ये तो कर लो भाई, चौका क्वेश्चन है। समीर समीर बोलो। ऋषिका किसको डबल किया? वी को। टू इंटू वी, क्या आर बदला? नो सर। डबल किया सर, डबल कर दिया है। हाफ करना था, हाफ होना है सर। फुट। ओ वेरी गुड, मेरे को लग रहा है सो तो नहीं गए कहीं, जाग रहे हो ना आप। गुड, बट चेंज भी लग कर रहे हैं करंट। रेजिस्टेंस टू टाइम सर, हाफ करके इनटू वी अपॉन आर हो जाएगा, सो वी अपॉन आर तो आई का फॉर्मूला है, एंड हाफ हो जाएगा करंट भी। वेरी गुड, ये तो आई है, तो इट इज आई बाय। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। वही बस तीन चार बच्चे बोलते हैं वो अच्छे हैं पढ़ाई में, सही कर रहे हैं, बाकी पता नहीं मना किता है किसी ने बोलन तो। उसका नाम जरूर बताना मेरे को बेटा जिसने मना किया है बोलने से, ठीक है ना? जिन बच्चों को बोल, घर में हम टोस्टर है, प्रेस है, यूज करते हैं, उसमें अलॉय क्यों लगाते हैं? वैसे ये क्वेश्चन अभी और आएगा डिटेल में, अभी शॉर्ट में रहने दो, अभी फोर्थ रहने दो, फोर्थ रहने दो, कोई बात नहीं, डिटेल में कराऊंगा। फिफ्थ का आंसर बता दो, टेबल से बताइए। टेबल गिवन है 12.2 टेबल, 12.2 टेबल देखिए। एक्सक्यूज मी सर, देयर इज अ चाइल्ड, देयर इज अ चाइल्ड नवकीरत सिंह। जी मैम। ही इज राइटिंग आंसर्स इन द चैट बॉक्स, आई थिंक दे आर नॉट विजिबल टू यू। मैम मेरे को नहीं, मैम मेरे पास सुनते नहीं। या ऑल द आंसर्स ही इज गिविंग मी नाउ, ही इज सेइंग अलॉय has more capacity to bear the heat, therefore it is used. ठीक है, good बेटा, आप बोल के भी बता सकते हो अगर microphone की दिक्कत नहीं है, you can participate in the discussion या chat with, आप मेरे साथ करिए ना, मैम तो मैम का subject नहीं है ना बेटा ये, you chat with me and give the answer अगर microphone की दिक्कत है। वैसे आप कर रहे हो, अच्छी बात है, very good, good work, thank you ma'am. Fifth question कर लो भाई जल्दी। इसमें से बेस्ट कंडक्टर, बेटर कंडक्टर कौन सा है, आयरन में या सिल्वर में से? आयरन। कैसे बनेगा? आयरन, जो टेबल में आयरन जो है वो मोर ज्यादा कंडक्टर है, मतलब कंडक्टिविटी उसकी अच्छी है। नहीं जी, रेजिस्टिविटी दी हुई है, जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी उतना गुड कंडक्टर, तो आयरन की रेजिस्टिविटी कम, -8 पावर, मर्करी की पावर भी -8 है लेकिन वैल्यू भी नहीं है 94, आयरन की 10, जितनी रेजिस्टिविटी कम उतना अच्छा कंडक्टर। किसकी रेजिस्टिविटी कम? आयरन की। आयरन की कंडक्टर देन मर्करी। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है? सर सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। एक फोर्थ रह गया आपका इस पेज का।